ऑफ वडोदरा। 555 में गुरु नानक जयंती निमित्ते गुरुद्वारा में सवार थी कीर्तन अने लंगर नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। देव दिवाड़ी निमित्ते शहरना खंडेराव मार्केट पास आवेल नानकवाड़ी गुरुद्वारा में 555 गुरु नानक जयंती ने उजवणी करवामां आवी, जे निमित्ते नानकवाड़ी गुरुद्वारा खाते वहेली सवार थी भजन कीर्तन नु आयोजन करवामां आव्यु छे। उपरांत गुरुद्वारा में लंगर नु पण आयोजन करवामां आव्यु छे। उल्लेखनीय छे के शीख धर्मना संतोना जणाव्या अनुसार गुरु नानक देवजीए वर्ष 1515 થી 1517 दरमियान पश्चिम भारतनो प्रवास कर्यो हतो, जेमां तेओ 500 वर्ष पहला शहरना खंडेराव मार्केटनी पाछळ आवेला नानकवाड़ी गुरुद्वारा खाते रोकाण कर्यो हतो। गुरु पर्व पर तमाम गुरुद्वाराओमां भजन अने कीर्तन करवामां आवे छे अने प्रभात फेरी पण योजवामां आवे छे। शहेरमां देव दिवाळी निमित्ते मोटी संख्यामां शीख धर्मना लोकोए गुरुद्वारा पहोंचीने दर्शन कर्या हता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये कार्यक्रम बड़ौदा का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ गुरु नानक जी इधर मतलब आज से करीबन 500 साल पहले इधर आए थे और इधर आके ही दो चार रातें इधर रुके थे और वो रुकने की निशानी भी इधर है। बाजू में ही एक ट्रस्ट है तो उसके वहाँ पर कुआं है, कुएं के पास में ये आके गुरु नानक जी बैठे थे। ये एक निशानी है, जहाँ भी पानी होता है वहाँ गुरु नानक जी जाके बैठते हैं ताकि आजू बाजू वाले भी सारे आ सकें और उनको कोई तकलीफ ना हो और वहाँ भी वहाँ पर आके उपदेश देते हैं। ये गुरुद्वारा उस टाइम को याद करके आज से करीबन 100-150 साल पहले बनाया गया है।
और इसका कार्यक्रम में हमारे यहाँ ये है कि हम हर साल धूमधाम से गुरु नानक का गुरुपुर्व मनाते हैं, गुरु नानक की जन्म जयंती मनाते हैं। इस साल भी हमने गुरु नानक की जन्म जयंती हम लोग धामधूम से मना रहे हैं और 16 अक्टूबर से अखंड पाठ साहब भी यहाँ शुरू हुआ है और अखंड पाठ साहब हमारा आज पूरे हुए हैं। करीबन 60 से 70 अखंड पाठ हमारे हुए हैं यहाँ पर और सारी संगत हर एक जो जो अपने मन में आता है जिस डेट को आते हैं उस हिसाब से यहाँ पर अपने बाकी सारे अखंड पाठ करवाती है और अपनी मान्यता अपनी इच्छाएं पूरी उनकी होती है और करते हैं। और इसी अब हमारे प्रोग्राम के अंदर मतलब जो नगर कीर्तन 19 तारीख को नगर कीर्तन हुआ था, नगर कीर्तन यहाँ से लेके छाणी गुरुद्वारा तक गया था और उसमें हमारे पूरे ग्रंथ साहब की जो सवारी के साथ में ग्रंथ साहब के अंडर में मतलब बड़ौदा की पूरी संगत मतलब साथ में जो हमारी जुड़ी थी और 3,000 से 4,000 लोग उस नगर कीर्तन में शामिल हुए थे। उस हिसाब से अभी उसके बाद में यहाँ पर सुबह से लेके 3 दिन से अखंड पाठ साहब आज पूरा हुआ है और आज सुबह से लेके मतलब दोपहर के 2-2.5 बजे तक हमारा कीर्तन जथा चलेगा, फिर जो जो कथावाचक चलेगा गुरु नानक की जो जो महिमा गाई जाएगी और ये इस महिमा को गायन करने के लिए ही स्पेशली गुरु के दरबार सचखंड साहब हरमंदिर साहब अमृतसर से कीर्तनी जथा आया हुआ है जो स्पेशली ही हम लोगों ने बुलाया है यहाँ पर, तो 3 दिन के लिए वो इधर आए हैं और संगत को कीर्तन से साथ में जोड़ रहे हैं और पूरा कथा और कीर्तन से संगत को निहाल कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया मित तुंजक चानन हुआ। ये गुरु नानक देव जी के उपदेश अनुसार गुरुद्वारा नानकवाड़ी विच आज सुबह प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस गुरुपुर प्रकाश पुरब में हम गुरुद्वारा कमेटी तरफ प्रबंधक की तरफ से और सिख समाज की तरफ से हम बड़ौदा निवासियों को हार्दिक बधाइयां देते हैं और आमंत्रित करते हैं कि आप गुरुद्वारे में आइए, आप दर्शन करिए और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये 555वां प्रकाश पूर्व है गुरु नानक देव जी का। इस पर्व का गुरु नानक देव जी का यहाँ आगमन हुआ था इसलिए इस गुरुद्वारे की महानता बहुत ऊँची है और जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। तो इस आज के सुबह से ही आज अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई है और संगत द्वारा भोग पाए गए हैं और उपरांत अभी नगर कीर्तन अभी कीर्तन और कथा हो रही है। अमृत वाणी का विचार साझा किया जा रहा है संगतों के साथ और संगत इसका आनंद उठा रहे हैं। हम हर नगरवासी को आमंत्रित करते हैं आप गुरुद्वारे में आइए और दर्शन करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।